कुदरत की मार से किसान बेहाल, कभी खेतों में पड़े अपने गेहूं की ओर देखता है तो कभी इंद्रदेव की तरफ। बेमौसम बारिश और हवाओं के चलते खेत में लाश की तरह बिछ गई फसल अब अंकुरित होने लगी है। जैसे तैसे किसान उसे समेट रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही है। बरसात बरसात से साहब सब क्यों भीज गए, सब जम रहे हैं क्यों? कर्ज लेके मतलब है कि पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद कर्ज वहाँ से मतलब देने पड़े, नहीं पाऊंगी तो सूख गए होंगे, नुकसान तो सारा हो गया, कटे पड़े जम रहे क्यों। बरेली में आंवला तहसील की ग्राम पंचायत रफियाबाद के रहने वाले किसान देवेंद्र बताते हैं, 8 बीघा गेहूं की फसल थी, दिन रात जागकर आवारा पशुओं से बचाए, लेकिन वो भी प्रकृति आपदा के चलते बर्बाद हो गई। बताते हैं सरकार की ओर से यदि कोई आर्थिक इमदाद मिलती है तो आगे की फसल के बारे में सोचा जाएगा। 7-8 बीघा गेहूं थे हमारे, वो गेहूं जैसे तैसे तो आवारा पशुओं से बचा मिले, और वो भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुए, सब चौपट हो गई खेती। अब रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा कठिनाई है, सरकार से उम्मीद करते हैं, अब तो एक ही उम्मीद बची है केवल सरकार, जो भी सहायता मिलेगी आर्थिक और उससे अपना गुजारा करें। 3-3 बार आंधी और हवा के चलते बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। किसान खेतों में अपनी फसल को सुखा रहे हैं, उलट पुलट कर देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान लाश को देखता है कि शायद अभी सांस बाकी है। अन्य जरूरतों की बात तो छोड़िए, 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। अब से 20 दिन पहले बरसात हुई थी, अब भी बरसात चल रही है, मैंने कर्ज लेकर इधर उधर से इसमें लागत लगाई है, ये भी सब सारा सड़ा जा रहा है बारिश से और हवा से, तेज नुकसान है, बहुत ही अधिक ज़्यादा नुकसान है, इससे हम बहुत बड़े पीड़ित हैं, दुख किसी से कह नहीं सकते। अब सरकार से जो सरकार चाहे वो हम काश्तकारों का गरीब आदमी उस संग में कर सकती है भाई। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत विसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।